नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज 5, इसके सैंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था सिंप्लीफाई, तो उसका एक एग्जांपल ले लिए। 4 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 5 अंडर रूट माइनस 9 माइनस 3 अंडर रूट माइनस 16। सिंप्लीफाई करना मतलब इसको जितना रिड्यूस कर सकते उतना रिड्यूस करना। अंडर रूट ऑफ माइनस 4 कैन बी रिटन एज अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4। सिमिलरली माइनस 9 का अंडर रूट और माइनस 16 का अंडर रूट। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज आई और अंडर रूट 4 इज 2। सिमिलरली 3 आई, ये बन गया 4 आई और इसका कैलकुलेशन करके इट कम्स टू 11 आई। इस तरह के प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो इसका एक एग्जांपल लिए नंबर 4। डिनोट गिवन नंबर बाय जेड, तो जेड इज माइनस अंडर रूट माइनस 5। तो पहले तो इसको ठीक कर लो, माइनस 1 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट, दिस इज आई, रूट 5 रहेगा अपनी जगह विद माइनस साइन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस रूट 5 आई। तो रियल पार्ट तो दिख नहीं रहा, मतलब जीरो है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये माइनस रूट 5 था तो साइन चेंज करके हो गया प्लस रूट 5। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा विथ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो आंसर इज रूट 5 आर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड ए एंड बी फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस। तो ये एग्जांपल 3 ले रहे हैं, इसमें ए और बी फाइंड करना है। यदि इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करके ठीक कर लेते हैं। ये पूरा 2 टाइम्स ए बी, ए प्लस बी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू आई। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको भी ठीक करो। अब यहां पर आई के साथ में 10 प्लस 2 ए दिख रहा है और ये बिना आई के दिख रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2 ए इंटू आई। लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। कब हो गए? जब उनके रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिला? वी गेट रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, 2 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ए। अब ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2। दो क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो दो क्वांटिटी ए और बी फाइंड करनी है, उसमें दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं। वन इंप्लाय ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर भी ए प्लस बी है, इसको नंबर दे दो 3। अब ये ए प्लस बी इक्वल टू 10 प्लस 2 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन 2, तो दोनों दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं, 2 एंड 3 इंप्लाय। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 10 प्लस 2 ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 बाय 2। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, कि एक को इलिमिनेट करो दूसरा फाइंड करो। दिस इज 20 प्लस 4 ए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो देयरफॉर बी लिखा जा सकता है, 1 को इधर भेज देते, तो 19 प्लस 4 है, तो ये आ गया b इन टर्म्स ऑफ a। अब ये b को किसी भी एक में, इसमें या इसमें, जिसमें, तो अब यहां तो फ्रैक्शन दिख रहा ना, इसी में रख देते वैल्यू, पुट इन टू वी गेट a प्लस b की वैल्यू रखे 19 प्लस 4 a
इज इक्वल टू 10 प्लस 2a। अब ठीक कर देते इसको, a इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट a प्लस 4a यानी 5a बन गया, 5a, और ये 19 उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 2a इधर ले आते, माइनस 2a इज इक्वल टू 10 माइनस 19। चेक कर लो एक बार फिर से, a प्लस 19 प्लस 4a, तो लेफ्ट साइड में 5a है, a को इधर ले आते माइनस 2a, राइट साइड में 10 है उसके साथ कांस्टेंट भेज देते माइनस 19, दैट इज 3a इज इक्वल टू माइनस 9, इंप्लाई a इज इक्वल टू माइनस 3, a की वैल्यू आ गई। अभी a की वैल्यू यहां b में पुट कर दो, इसको कुछ नंबर देके, तो देयरफॉर 4 इंप्लाई b इज इक्वल टू 19 प्लस 4 टाइम्स a की वैल्यू रखो माइनस 3, 19 माइनस 12, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 7। आंसर, फाइनल आंसर a इज माइनस 3, b इज 7। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib वेयर a एंड b आर रियल नंबर, i इज अंडर रूट ऑफ माइनस 1, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसका एग्जांपल 3 देखते हैं, i into 4 plus 3i upon 1 minus i। अब हमको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a plus ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और यहां तो 1 2 3 ऐसे तीन तीन i दिख रहे हैं, इमेजिनरी यूनिट दिख रहे हैं, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कर दो, let z is equal to i 4 plus 3i upon 1 minus i। न्यूमरेटर में आए तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज इक्वल टू 4i ब्रैकेट ओपन करके प्लस 3i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस i। i है अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो देयरफॉर i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, इसको रिप्लेस कर दो, 4i प्लस 3 इनटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i, व्हिच मींस माइनस 3 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस i। ये न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में जब आए हो तो ये चलता नहीं, डिनोमिनेटर के आए नहीं चलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये आए हटाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको रैशनलाइज कर लेते, 1 प्लस i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4i इंटू 1 प्लस i अपॉन, ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, नीचे 1 माइनस i 1 प्लस i, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला दिखता है, अभी लिख दो 1 माइनस i 1 प्लस i, और अब अप्लाई करते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शुरू करो इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस 3 माइनस 3i प्लस 4i प्लस 4i का स्क्वायर अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर दे, यहां a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, यूजिंग फॉर्मूला a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख सकते हैं यहां पर आप, यूजिंग a माइनस b इनटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां जहां रीजन दे सकते हैं वहां वहां रीजन देने की कोशिश क्या करो, z इज इक्वल टू ठीक करो माइनस 3 माइनस 3i प्लस 4i, तो प्लस i बचा, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 4 अपॉन, ये 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस i अपॉन 2। अब इसको a प्लस bi के फॉर्म में लिखना है, तो इसको माइनस 7 बाय 2 सेपरेट करके प्लस 1 बाय 2 i, this is in the form of a plus ib, where a is equal to minus 7 by 2 real number hai, b is equal to 1 by 2 real number hai, and i is equal to under root of minus 1। example number 5, express the following expression in a plus bi form।
अब यहाँ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, ये काम ज्यादा हो जाएगा। तो पहले बेटर है हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो अंदर एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर ले। तो कंसीडर, कंसीडर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो डिनोमिनेटर में आई है इसको रिमूव करने के लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू यहां पर फॉर्मूला लगाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। अभी सॉल्व किया था आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 आई, आई का स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन 2, प्लस 1 माइनस 1 गया तो ये हो गया 2i अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू i। मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई है i। नाउ व्हाट इज दैट, दैट था 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू है i, तो i रख दो यहां पर i का स्क्वायर एंड व्हाट इज i स्क्वायर इज माइनस 1, तो इसको a plus bi के फॉर्म में लिखना है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0 i, रियल पार्ट माइनस 1 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, पुट कर दिया, तो दिस इज इन द फॉर्म a plus bi वेयर a इज इक्वल टू माइनस 1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, b इज इक्वल टू 0 विच इज अगेन रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 22 शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज रियल, तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सॉल्यूशन, इसको हम चेंज कर देते हैं, सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में रूट 7 माइनस रूट 3 और यहां रूट 7 प्लस आई रूट 3 होना चाहिए, ये 3 है, ये 3 है, तो एलसीएम ले लेते, एलसीएम रूट 7 माइनस आई रूट 3 रूट 7 प्लस आई रूट 3 दोनों का प्रोडक्ट और ये मल्टीप्लाई कर लेते ग्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 7 प्लस आई रूट 3 दोनों दोनों सेम है तो रूट 7 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके रूट 7 माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करते a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 7 प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 रूट 7 रूट 3 और i, b का स्क्वायर i का स्क्वायर इंटू 3 इसका स्क्वायर, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी 2 रूट 7 रूट 3 i प्लस b का स्क्वायर i का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस i रूट 3 का स्क्वायर i स्क्वायर इंटू 3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू i का स्क्वायर हो गया माइनस 1 तो ये माइनस 3 माइनस 3 प्लस 7 4 प्लस 2 रूट 7 रूट 3 i प्लस i का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7 4 माइनस 2 रूट 7 रूट 3 i अपॉन 7 i का स्क्वायर माइनस 1 सामने माइनस है प्लस 3 हो गया, ये सेम टर्म कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 अपॉन 7 प्लस 3 10 इट इज इक्वल टू 4 बाय 5 विच इज अ रियल नंबर, विच इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है, जो शो करना है उसमें आय कहीं नहीं है। इसका मतलब इसको पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो सॉल्यूशन गिवन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ये स्क्वायर रूट तो चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए, जो शो करना है उसमें अंडर रूट नहीं है, तो पहले तो उसको हटा दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट गया ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट साइड में डिनोमिनेटर में आए हैं, तो दोनों दोनों का जगह सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आए नहीं हो ना, रैशनलाइज कर देते ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी। दिस इज एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वाई स्क्वायर इसको यहां लिख लेते हैं प्लस टू एक्स वाई आर इक्वल टू, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहे हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ऊपर दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो उसको, ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी, मल्टीप्लाई कर दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलेगी, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, सामने माइनस है प्लस हो गया, तो ए सी प्लस बी डी, इसमें से आई कॉमन, पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं बी सी और फिर नेगेटिव टर्म ए डी अपॉन सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, साथ में माइनस है तो बन गया प्लस बी स्क्वायर। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, इसको भी अलग अलग करके लिख देते ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स वाई आई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब, जब रियल पार्ट इक्वल इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तो इक्वेट कर देते हैं इनको। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी गेट रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां का रियल पार्ट ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट यानी आई के साथ जो है टू टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आ गई, हमको फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और टू टाइम्स एक्स वाई, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज, अब हमारे पास क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते इसको, ये टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको उधर अलग कर दी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और इसको 2xy का होल स्क्वायर ऐसा कर दी। अब इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो रख दो, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस 2xy की वैल्यू है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर, ये यहां से आगे वैल्यू। इसको यदि आप नंबर वन दे दे नंबर टू दे दे तो फ्रॉम वन एंड टू वैल्यू पुट कर दी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, अब कैलकुलेशन की बात है, इसका सिंप्लीफिकेशन दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अप्लाई करते ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसको कर दो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टू टाइम्स ए बी सी डी, अरे माइनस टू टाइम्स ए बी सी डी ये कट हो गया जीरो हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में से, तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रह गया ये टर्म ये और ये टर्म में से, और दो टर्म बची है बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन दिखता है बचा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड हो गया तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।